पेड़ प्रकृति का अनमोल उपहार हैं, जिसके कारण पृथ्वी हरी भरी और हमारा जीवन खुशहाल है। पेड़ हमें प्राणदायिनी वायु देते हैं, खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां और बीमारियों से लड़ने के लिए जड़ी बूटियां देते हैं तथा बहुत सी उपयोगी वस्तुएं भी देते हैं। परंतु आज हमारी बढ़ती ज़रूरतों के कारण हम बहुत तेज़ी से इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं और शायद यह भूल गए हैं कि यदि ये पेड़ पौधे नहीं रहे तो हमारा भी जीवन संभव नहीं है। पेड़ों से होने वाले लाभ, सुरक्षा और पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता हेतु निगम प्रतिभा विद्यालय न्यू कोंडली बी ब्लॉक में वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें अध्यापकों तथा छात्रों ने मिलकर पेड़ लगाए और उनकी देखभाल का प्रण लिया। विभिन्न गतिविधियों द्वारा बच्चों को पेड़ों के महत्व के विषय में बताया गया। बच्चों को पेड़ लगाने तथा उनके संरक्षण हेतु जागरूक किया गया। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में हुई थी। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। जो भी हमने पेड़ लगाए हैं या जो पेड़ हमारे आसपास है, उनकी देखभाल करनी चाहिए। आओ वन महोत्सव मनाए, जीवन में खुशहाली लाए। वन है तो हम है, इनके बिना ना हम है। धरती की भी यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार। धरती का जीवन का श्रृंगार है वन, धरती का श्रृंगार है वन। आओ वर्षा यही कराते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं। आओ सभी को जागरूक करें, वृक्षारोपण हम सब करें, वृक्षारोपण हम सब करें। लगाओ पेड़ लगाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। पेड़ों के बिना मेरे यार, जीवन में है अंधकार। सेव और ट्री इट डोंट चार्ज ऑफ। पेड़ कटने से चारों तरफ प्रदूषण फैल गया था और जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी बेघर हो गए थे। अपने घर के लालच में लोगों ने जंगल को काट दिया और उसका परिणाम सभी को प्रदूषण के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पेड़ लगाओ हरा भरा जी।